अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, जिसे हम PCR कहते हैं। ऑलरेडी हम इसके पिछली वीडियो में जनरल MCQs डिस्कस कर चुके थे, अब हम थोड़ा डिटेल के साथ इनके MCQs को हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम MCQs की तरफ जाते हैं। MCQs नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक DNA सिक्वेंसेज बाई एन एंजाइमेटिक प्रोसेस इज टर्म एज एम्पलीफिकेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ट्रांसलेशन, मैक्रो एरे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एम्पलीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक DNA सिक्वेंसेस का प्रोसेस करते हैं। सेकेंड MCQs, वट आर प्राइमर। ऑप्शन 1, प्राइमर आर शॉर्ट सिक्वेंसेज एट द एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसेज विच आर यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। सेकेंड MCQs, प्राइमर आर शॉर्ट सिक्वेंसेज विच आर कम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ द सिक्वेंस विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड। नंबर 3, प्राइमर आर द शॉर्ट सिक्वेंस प्रजेंट एनी वेयर इन न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइमर आर शॉर्ट सिक्वेंसेज विच आर कम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ सिक्वेंस विच आर टू बी एम्पलीफाइड। MCQs नंबर 3, अ रिएक्शन मिक्सचर फॉर PCR कंसिस्ट ऑफ हीट अनस्टेबल पॉलीमरेज, प्राइमर्स इन अ लिमिटेड अमाउंट, सी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डी ओरिजिन कम्प्लीमेंट टू द सीक्वेंस टू बी एम्पलीफाइड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट DNTPs जिसे हम कहते हैं। MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ टैग पॉलीमरेज, इट इज एन RNA पॉलीमरेज, इट इज हीट स्टेबल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरियम एंड कैन बी ग्रो ऑन लेबोरेटरी बिलो आ टेम्परेचर ऑफ 75 degrees। ऑप्शन 4 इज, इट इज़ यूज इन सेलुलर सिंथिस प्रोसेस एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज एट लीस्ट 90 degrees। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट इज एन हीट स्टेबल एंजाइम। 5, देर आर स्टेप टेकन इन कैरिंग आउट द PCR रिएक्शन। और यहाँ पे ये कोई MCQs नहीं है बल्कि इसके 4 मेन जो प्रोसेस हैं वो बताए गए हैं। फर्स्ट इज हीटिंग, सेकेंड वन इज डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रैंड, थर्ड वन इज अटैचिंग ऑफ प्राइमर बाय कॉइलिंग, एंड लास्ट वन इज DNA सिंथेसिस। दीज आर मेन स्टेप फॉर PCR रिएक्शन। MCQs नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर PCR। ऑप्शन 1 इज इनिशियल मेल्टिंग कैरिड आउट फॉर 5 मिनट एट 94 degrees, बी इनिशियल मेल्टिंग फॉलोड बाय 30 seconds ईच कंसिस्टिंग ऑफ मेल्टिंग फॉर 1 मिनट एट 94 degrees, सी इज री नेचुरेशन फॉर 5 मिनट एट 60 degrees, डी DNA सिंथेसिस एट 72 degrees फॉर 1.5 मिनट। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉट अकर इन PCR। MCQs नंबर 7, प्राइमर्स एंड पॉलीमरेज आर एडेड अगेन ड्यूरिंग द रिएक्शन बिकॉज दे गेट कंज्यूम एज द रिएक्शन प्रोसेस प्रोसीड, इज इट ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। MCQs नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट प्रेजेंट इन टैग पॉलीमरेज, 5-3 पॉलीमरेज, 5-3 एक्सोन्यूक्लियस,
3 to 5 exonuclease. Option D is both 5 to 3 polymerase and 5 to 3 exonuclease. The correct option is option C. 3 to 5 exonuclease is not present in TAG polymerase. 9. Thermococcus littoralis grow at temperature up to 98 degrees. This statement is true. It can grow up to 98 centigrade. MCQs number 10. All the molecules generated during PCR will not be full length. Some will also be intermediate length. Which of the following statement is correct? Statement B is correct for this MCQs. In the next cycle, each intermediate molecules will generate one intermediate molecules and one target molecules. MCQs number 11. Choose the correct statement. TAG polymerase is having high processivity. Processivity is defined in this case as synthesis of DNA by polymerase. MCQs number 3. It is requires a 5-end for elongation to take place. D. The maximum size of molecules which can be synthesized is 10 kbp. The correct option is option B. The processivity is defined in this case as a synthesis of DNA by polymerase. MCQs number 12. What is half-life cycle for TAG polymerase? 40 minutes, 80 minutes, 10 minutes, 50 minutes. The correct option is option A. 40 minutes is a half-life cycle for TAG polymerase. MCQs 13. TAG polymerase incorporate which residue at 3N? G, T, A, C. The correct option is option A. MCQs number 14. Polymerases are also available from which thermos species? Which of the following is correct? Thermos flavus gives TFL enzyme. Thermophilus give TFL enzyme. They are having proofreading activity. Thermos flavus gives TTH enzyme. The correct option is option A. Thermos flavus gives TFL enzyme. MCQs number 15. Polymerases are available with proofreading activity. Which of the following are the characteristics of these type of polymerases? They added a residue at 3N. They are obtained from Thermococcus littoralis. They cannot be obtained from Archaeobacteria. D. The marine bacteria from which they are obtained grow at temperature lower than the thermos aquatics. The correct option is option B. They are obtained from Thermococcus littoralis. Next is primers. Primers are generally 20 to 30 nucleotide long, 40 to 15 nucleotide long as template is taken according to the amount available. The correct option is option A, 20 to 30 nucleotide long. MCQs 2. Which end of primer should be matched properly in order to carry out the amplification? 5-end, 3-end, both of these, or fourth one is any one of the end should match. The correct option is option B. Only 3-end is matched.
MCQs number 3. Which of following nucleotide should be there at 3 end? Any of A, T, G, C will work out. Either A or T, either G or C, specifically G. The correct option is option C, G and C. Melting temperature is given by option 1, 4, G plus C plus 2, A plus T. Option B is 2, G plus C plus 4, A plus T. Option C is 2, A plus G plus 4 over C plus T. Option D is 4, A plus G plus 2, C plus T. The correct option is option A. Excuse number 5. Both the primers, start primer and the end primer, should have nearly same melting temperature. This statement is true. Both these primer have same melting temperature. MCQs number 6. Why internal secondary structure are not preferred for primers? Option 1 is internal structure are very bulky and thus elongation is not preferred. Option B is because of it primer may fold back on itself and will not be available for template. Option C is internal secondary structure require more amount of template. Option D is if internal structure are present, no proofreading could be observed. The correct option is option B. Because of it, primer may fold back on itself and will not be available for template. MCQs 7. Which of the following is favored for primer design? Option A is melting temperature should be different for both the primer. Option B is primer should be long in length. Option C is primer should not be complementary to each other. Option D is matching should be of whole primer to the template. The correct option is option C. Primer should not be complementary to each other. MCQs number 8. What will be happened if amino acid sequence is used directly for primer designing? The correct option is option C. If we use direct amino acid for primer designing, there would be, unfortunately, as the genetic code is generated, but some of amino acid such as methionine are having unique codon. MCQs number 9. In the case of unfortunately, if more than one nucleotide is included at a position, it is called mixed site, polynucleotide site, unique site, or degenerate site. The correct option is option A. It is called mixed site. MCQs number 10. What is the property of inosine? Having narrow range of pairing capability, having a broad range of pairing capabilities. Pairing capabilities is same as the normal nucleotide. It is abbreviated as A. The correct option is option B. Having a broad range of pairing capability.